अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 पार्ट 4 कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू के जो सिलेबस है उसमें जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का पार्ट चैप्टर नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर 4 भी जो है ये शामिल है। इसमें हमने ये देखना है कि टैक्स रिकवरी ऑफ टैक्स कैसे होती है जब मुख्तलिफ किस्म के पर्सन हों। जब टैक्स पेयर है, अगर टैक्स पेयर है तो उसने अगर मुकर्रर वक्त में या ड्यू डेट में अपनी रिटर्न जो है वो फर्निश नहीं की, प्रोवाइड नहीं की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो फिर इस सूरत में उसे रिकवरी या उसकी कलेक्शन ऑफ टैक्स कैसे होती है। इसकी देखें दो सूरतें हैं। एक तो होगी रिटर्न की फॉर्म में कि उसने ड्यू डेट तक जो है अपने टैक्सेबल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवानी थी या सबमिट करवानी थी। अगर वो नहीं करता तो फिर इस सूरत में जो है कमीशन इन रेवेन्यू के पास कौन कौन सी पावर्स हैं या किस फॉर्म में जो है वो उसको टैक्स पेयर को कॉल कर सकता है टैक्स रिकवरी के लिए या टैक्सेबल इनकम की कलेक्शन के लिए। इसमें इसी तरह और भी बहुत सी सूरतें हैं कि अगर कोई कंपनी है तो उस सूरत में उसने कैसे टैक्स रिकवरी उसे कैसे होनी है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है या बैंक्रप्टसी हो जाती है तो इस सूरत में भी क्या होगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है, एसोसिएशन पर्सन का मेंबर है तो इस सूरत में कैसे होगी। इसी तरह शिफ्ट्स के मुतालिक हम पढ़ेंगे कि वो उनके लिए टैक्स रिकवरी का क्या असूल है, क्या उनसे कैसे टैक्स रिकवर किया जाता है। और इसके अलावा जो है हम आखिर में ये एयरक्राफ्ट के मुतालिक भी पढ़ेंगे और पावर्स ऑफ इन कमीशन रेवेन्यू के मुतालिक भी इसी टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आखिर में मैंने इस वीडियो के जो है एमसीक्यूज भी इसी चैप्टर से रिलेटेड जो है अपलोड किए हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है तो इसको ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक्स हैं ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 137। अंडर सेक्शन 137 के मुताबिक जो है ड्यू डेट ऑफ फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स कौन सी है, और इसी तरह रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर सेक्शन 138 के। अगर टैक्स पेयर जो है ड्यू डेट पे अपन रिटर्न सबमिट नहीं कराता या अगर कमिश्नर इन रेवेन्यू किसी भी कोई भी नोटिस इशू करता है या आर्डर इशू करता है असेसमेंट या अमेंडमेंट असेसमेंट आर्डर के तहत असेसमेंट के तहत, तो इस सूरत में जो है अगर वो अपनी टैक्सेबल अमाउंट जो है टैक्स डिपार्टमेंट में जमा नहीं कराता तो उस सूरत में अगर उसकी रिकवरी हो सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी या दूसरे चीज़ से जो है ना वो अमाउंट रिकवर की जाए। इसी तरह रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिस रेवेन्यू सेक्शन 138A, स्टेट इन बैंकरप्टसी सेक्शन 138B, कलेक्शन टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन सेक्शन 139, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ अ टैक्स पेयर सेक्शन 140, लिक्विडेटर सेक्शन 141, रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन अंडर सेक्शन 142, नॉन रेजिडेंटशिप ऑफ ओनर आर चार्टर सेक्शन 143, नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर आर चार्टर सेक्शन 144, परमानेंट डिपार्चर ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान अंडर सेक्शन 145, रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन पास इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर 146। ठीक है, इस चैप्टर का मेन पर्पज यह है कि अगर कोई भी टैक्स पेयर या पर्सन जो है अगर अपने टैक्स पे नहीं करता तो उस पे टैक्स चार्ज करने या टैक्स रिकवरी के जो है मुख्तलिफ तरीक़ेकार और मुख्तलिफ सूरतें बताई गई हैं कि अगर ये सूरत है तो इस तरह टैक्स रिकवर किया जाएगा, अगर ये है तो इस तरह किया जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म जो है मैंने यह सेक्शन वाइज जो है इस पॉइंट्स में इस डिस्कशन पॉइंट्स में मेंशन कर दिए हैं। तो ये हम टॉपिक्स वाइज फर्दर हम आगे मूव करेंगे। तो पहला है जी हमारे पास सेक्शन 137, इसमें जो इसका टॉपिक है ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए क्या होती है, ये असूल है जी कोई भी टैक्स पेयर है उसने अपने टैक्स पर टैक्स एबल इनकम जो है वो ड्यू डेट तक जो है टैक्स डिपार्टमेंट को फर्निश करनी होती है थ्रू रिटर्न के जरिए। ठीक है, टैक्स पेयर रिटर्न के जरिए उसने अपने टैक्सेबल अमाउंट टैक्स डिपार्टमेंट को भेजनी होती है ड्यू डेट में। ड्यू डेट जो है कोई जो है वो
बोर्ड्स की तरफ से, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से कोई भी डेट इंटीमेट हो सकती है, वो कोई किसी भी डेट को एज ए ड्यू डेट अनाउंस कर सकते हैं। अगर इसी तरह टैक्सेबल इनकम जो है किसी टैक्स पेयर को किसी आर्डर के तहत जो है असेसमेंट आर्डर या इन अमेंडेड असेसमेंट आर्डर के या किसी दूसरे आर्डर के जरिए जो कमीशन ने इशू किया है, एक नोटिस इशू करेगा कि अगर उसने अपना टैक्स नहीं जमा किया। एक तो है कि ड्यू डेट तक टैक्स नहीं जमा किया फिर भी नोटिस इशू किया जाए। इसके अलावा अगर एक टैक्स पेयर ने जो है अपनी असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दी है, लेकिन वो उस असेसमेंट में अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसका ऑडिट करता है, ऑडिट करने के बाद अगर उसमें कोई सुटेबल चेंजिंग वो देखता है कि ये कुछ चीज़ें जो है इस रिटर्न में या इस असेसमेंट में शामिल नहीं है, तो वो टैक्स पेयर को जो है एक नोटिस इशू करेगा। उस नोटिस में जो है तमाम चीज तम वो अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट पेबल वो भी इसमें स्पेसिफाई होगी, और दूसरी कि जितनी उसने पे करनी है 30 दिन के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस, ठीक है। कि नोटिस जब भी इशू करेगा कमिश्नर किसी भी मेथड के जरिए, रिटर्न के थ्रू या एक असेसमेंट आर्डर के तहत, अमेंडेड असेसमेंट आर्डर या अदर आर्डर जो भी कमिश्नर इशू करता है, तो उसमें बाकायदा एक नोटिस इशू होगा। उस नोटिस में बाकायदा एक जो अमाउंट पेएबल है वो भी होगी, और सम जो है जो उसने 30 दिन के अंदर अमाउंट वो टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करनी होगी नोटिस सर्व होने के 30 दिन के अंदर अंदर। इसी तरह अगर टैक्स पेयर जो है वो जो भी डेट ड्यू डेट अनाउंस हुई है उस डेट में अगर अपनी इनकम टैक्स या टैक्स एबल इनकम जो है या जो उस पे चार्जेस इम्पोज हुए हैं वो टैक्स अगर किसी भी सूरत में जमा नहीं करा सकता, तो वो कमिश्नर को रिटर्न एप्लीकेशन लिखेगा कि जो भी ड्यू डेट अनाउंस हुई है इस डेट में या इस पीरियड में जो है टैक्स जमा कराना या सबमिट कराना जो थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसलिए वो उसको रिक्वेस्ट करेगा कमिश्नर को कि मुझे एक एक्सटेंशन दी जाए, ठीक है, टाइम पीरियड में एक एक्सटेंशन दी जाए ताकि वो टैक्स पेमेंट जो है वो उसको अरेंज कर सके। उस पेमेंट में वो ये रिलैक्सेशन हो सकती है टैक्स पेयर को इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में या इक्वल वेरिंग अमाउंट जो भी उसकी टैक्सेबल अमाउंट बनती है उसके इक्वल भी उसको एक कमीशन जो है उसको एक रिलैक्सेशन ग्रांट कर सकता है कमिश्नर को। ये कमिश्नर की अथॉरिटी है उसके सरकमस्टेंसेस को देखते हुए। इसी तरह अगर टैक्स पेयर को इजाज़त दी जाती है कि वो आप इंस्टॉलमेंट के तहत टैक्स पेयर टैक्स पे करें, लेकिन अगर वो एक इंस्टॉलमेंट भी नहीं जमा कराता, तो फिर वो तमाम जो बैलेंस है टैक्स आउटस्टैंडिंग का, तो वो उसे इमिडिएटली उसे रिकवर किया जाएगा या उसे पेबल होगा। इसी तरह एक्सटेंशन ऑफ ग्रांट ऑफ टाइम टू पे टैक्स ड्यू और द ग्रांट ऑफ द पेमेंट टू टैक्स ड्यू बाय द इंस्टॉलमेंट शैल नॉट प्रीक्लूड द लायबिलिटी ऑफ आर डिफॉल्ट सरचार्ज, ठीक है, कि अगर टाइम की रिलैक्सेशन भी दी गई लेकिन उसने इस सूरत में यह है कि अगर टैक्स में रिलैक्सेशन दी गई लेकिन टैक्स की रिलैक्सेशन जो है वो इस चीज़ से प्रिवेंट नहीं करेगी कि वो जो डिफॉल्ट सरचार्ज है कि वो उससे रिकवर ना किया जाए या उससे वो स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं है। कि डिफॉल्ट सरचार्ज वो एक अलहदा चीज़ है और जो टैक्स लाइबिलिटीज हैं वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन दी गई है ये रिलैक्सेशन इसका ये मतलब नहीं है कि टैक्स पेबल तो वो पे कर दे लेकिन सरचार्ज डिफॉल्ट सरचार्ज पे ना करे, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस सूरत में भी ये टैक्स पेयर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो इस चीज़ को भी देखें। नेक्स्ट है 130A, सेक्शन 138, रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर। अगर टैक्स पेयर जो है सेक्शन 137 के तहत अगर वो फेल हो जाता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने में, तो फिर उससे टैक्स रिकवरी का मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं सेक्शन 138 में, कि उसे जो टैक्स रिकवर करने के लिए हो सकता है कि कमिश्नर उसकी किसी भी अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है टैक्स पेयर की उसको अटैच कर दे किसी के साथ या उसको सेल कर दे। इसी तरह कोई रिसीवर अपॉइंट कर दे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जो भी टैक्स पेयर की है, इसी तरह उस अरेस्ट कर सकता है टैक्स पेयर को या उस पर्सन को जो के ऑन बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर काम कर रहे थे 6 महीने या इससे ज्यादा के पीरियड के लिए, उसको डिटेंशन भी हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो है जो भी जो है जो समझिए कि
डिटेंशन का पीरियड है या जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं वो सेक्शन 48 में दी गई हैं वो भी इस पे इम्पोज हो सकती हैं। पावर्स ऑफ द कमिश्नर सेक्शन 138, सेक्शन 138 के साथ पावर्स भी कमिश्नर की बताई गई हैं कि टैक्स की रिकवरी के लिए कमिश्नर की पावरें वही हैं जो कि सिविल कोर्ट की पावर होती है किसी भी अमाउंट को रिकवर करने के लिए। इसके अलावा भी ये एक एक्सेप्शन है कि बोर्ड भी जो है कोई रूल और रेगुलेशन बना सकता है या प्रोसीजर ऐसा अनाउंस कर सकता है जिसके अंदर कोई भी टैक्स किसी भी टैक्स पेयर से कोई टैक्स अमाउंट रिकवर करनी हो उसके लिए भी। एक तो यह होगा कि कमिश्नर के पास वही है जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं किसी भी अमाउंट को रिकवरी के लिए। इसी तरह बोर्ड भी कोई है प्रोसीजर या रूल और रेगुलेशन अडॉप्ट कर सकता है टैक्स रिकवरी के लिए। सेक्शन 138A रिकवरी ऑफ टैक्स बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू इस सेक्शन के मुताबिक के अगर टैक्स पेयर जो है एक ऐसे इलाके में रहता है कि जो या डिस्ट्रिक्ट में रहता है जिससे कमिश्नर डायरेक्ट जो है टैक्स रिकवर नहीं कर सकता, तो इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें वो तमाम अमाउंट मेंशन होगी कि इस टैक्स पेयर के अगेंस्ट इतनी अमाउंट है तो वो इस टैक्स पेयर से ये अमाउंट डिडक्ट की जाए। तो जिस तरह ही डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू को वो सर्टिफिकेट कमिश्नर की तरह रिसीव होगा तो वो उस टैक्स पेयर से वो अमाउंट या जो भी एरियल होगा रेंट रेवेन्यू से उसे रिकवर करेगा। नेक्स्ट है 138B सेक्शन स्टेट इन बैंक्रप्टसी। ठीक है, अगर कोई टैक्स पेयर है उसको बैंक्रप्ट डिक्लेयर किया गया है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इस पास ऑन हो जाएगी स्टेट इन बैंक्रप्टसी के पास। ठीक है, स्टेट इन बैंक्रप्टसी के पास वो अमाउंट रिकवर जो है पास ऑन हो जाएगी। इसी तरह का टैक्स लायबिलिटी स्टेट इन बैंक्रप्टसी में जो अब इनकर हुई है उसको जो है वो करंट एक्सपेंडिचर के तौर पर कंसिडर किया जाएगा और इसके इन दी और जो है जो भी इस स्टेट ऑफ बैंक्रप्टसी को क्लेम करेगा तो इस सूरत में वो क्रेडिटर या दूसरे जो है वो इस अमाउंट को पे करके इस इशू को सेटल भी कर सकते हैं इन स्टेट ऑफ बैंक्रप्टसी की फॉर्म में। सेक्शन 139 कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज इन एसोसिएटेड पर्संस। इसी तरह अगर कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाती है या वो लिक्विडेटर के में चली लिक्विडेटर के हवाले हो जाती है तो इस सूरत में जो है टैक्स रिकवरी जो है वो कंपनी से नहीं होगी डायरेक्ट बल्कि हर उस शख्स से होगी जो कि होगा ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कंपनी का डायरेक्टर होगा या कोई वो ठीक है या उसका शेयर होल्डर होगा कंपनी का जिसका 10% से ज़्यादा जो है उसका शेयर नहीं होगा उससे टैक्स रिकवर होगा बल्कि होगा डायरेक्ट कंपनी से रिकवर नहीं होगा। इसी तरह के बाकी जो पेमेंट है अगर कोई डायरेक्टर है जो है वो अगर इस टैक्स की पेमेंट कर देता है तो फिर वही डायरेक्टर इस कंपनी से टैक्स डिपार्टमेंट से जो है वो टैक्स क्रेडिटर को भी क्लेम कर सकता है कि टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। इसी तरह ज्वाइंटली या सेवरली लायबल जो भी पेमेंट है टैक्स ड्यू बाय दी कंपनी वो भी किसी ऐसे पर्सन से रिकवर किया जा सकते हैं जहाँ पे बहुत से ज्वाइंटली तौर पर जो है ये कंपनी को चला रहे होंगे उनसे भी ये टैक्स रिकवर किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई डायरेक्टर है वो टैक्स पे कर देता है तो वो इंटाइटल होगा रिकवरी द टैक्स पेड फ्रॉम दी कंपनी और ए शेयर ऑफ दी टैक्स फ्रॉम एनी अदर डायरेक्टर। ठीक है कि अगर कोई भी डायरेक्टर है इस कंपनी का अगर वो टैक्स पे कर देता है तो उसको ये इंटाइटलमेंट होगी कि वो जो भी रिकवरी टैक्स जो ऑलरेडी पे हो चुका है कंपनी की तरफ से वो उसको क्लेम कर सकता है या किसी दूसरे डायरेक्टर जो उससे भी वो शेयर जो है टैक्स का वो क्लेम कर सकता है। इसी तरह शेयर होल्डर है अगर वो भी पे करता है टैक्स तो वो भी टाइटल होगा टैक्स रिकवरी का। ठीक है, इस सेक्शन के तहत सेक्शन 139 कलेक्शन ऑफ टैक्स इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। अब एसोसिएशन पर्सन की फॉर्म में भी जो है ये टैक्स जो है वो डायरेक्ट एसोसिएशन पर्सन से रिकवर किया जाएगा। इसमें हर वो शख्स जो कि एसोसिएशन पर्सन का मेंबर है उसे ज्वाइंटली
या सिविल लायबल जो है, जो भी टैक्स की पेमेंट होगी वो उनसे रिकवर की जाएगी। इसी तरह अगर कोई मेंबर्स जो है एसोसिएशन पर्सन का अगर वो टैक्स पे कर देता है तो वो भी इंटाइटल होगा टैक्स रिकवरी का, जो कि ऑलरेडी एसोसिएशन पर्सन ने टैक्स जमा करवा दिया है या टैक्स पे कर दिया है। सेक्शन 140 रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन होल्डिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ टैक्स पेयर, के अगर कोई पर्सन है जिसने टैक्स पेयर के बिहाफ पे कोई उसकी रकम या उसके अमाउंट जो है रखी हुई है या होल्ड की हुई है, तो उससे भी टैक्स रिकवर हो सकता है। उसमें उसको बाकायदा जो है टैक्स पेयर का जो भी होल्डिंग मनी है उसको एक उस पर्सन को कमीशन जो है वो एक नोटिस इशू करेगा, उसमें वो तमाम चीज़ें जो है जो भी उसके अगेंस्ट है वो इसमें मेंशन करेगा। हर उस पर्सन को जिसके पास टैक्स पेयर की अमाउंट है या उसके पास वो उसकी अमाउंट को होल्ड करता है या वो या उसने कोई पेमेंट्स करनी है टैक्स पेयर की, जो भी इसमें केस हो सकती है वो कमीशन जो है उस नोटिस में उसको जो है उसको लिखेगा और स्पेसिफाई करेगा अमाउंट्स वगैरह। इसी तरह के कमिश्नर जो है अगर इसको नोटिस नहीं इशू करेगा उस पर्सन को जो जिसने होल्ड की हुई मनी ऑन द बिहाफ ऑफ द टैक्स पेयर, के अगर उसने अपील दर्ज की हुई है सेक्शन 127 के तहत, और ये जो अपील इसने दर्ज की होगी ये इस कंडीशन पे के उसने 10% जो है ऑलरेडी जो अमाउंट पे होनी है, जो अमाउंट पे होनी है उसका 10% ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कराया होगा एज अ सिक्योरिटी के तौर पर। इसी तरह जो जो भी अमाउंट नोटिस की जाएगी, सेट आउट की जाएगी नोटिस में, वो जो है अमाउंट पेबल से जो कि टैक्स पेयर से रिसीव लेने वो उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ना ही इसी तरह वो अगर कम होगी तो करेगा लेकिन उससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। जहां पे पर्सन जो है एक ऐसा पर्सन ठीक है जिसने टैक्स पेयर की अमाउंट पेमेंट करनी है सीरीज की फॉर्म में, ठीक है, बहुत सारी पेमेंटें अगर उसने करनी है तो कमिश्नर जो है नोटिस में वो अमाउंट जो है जो कि हर हेड से पेमेंट उसने जो टैक्स के तौर पे जमा करवानी है उसमें वो स्पेसिफाई करेगा कि ये पेमेंट्स भी जो है ये टैक्स पेयर के बिहाफ पे की जाए। नेक्स्ट है जी लिक्विडेटर्स। लिक्विडेटर इसी तरह जी हर पर्सन होता है जो वो किसी कंपनी का भी हो सकता है या कोई रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है कंपनी कोर्ट की तरफ से, या जो है अपॉइंट आउट ऑफ द कोर्ट भी ये हो सकता है। बैंकरप्टी के फॉर्म में ये एक ट्रस्टी होगा या मॉर्गेज डेड इंपोजिशन जो भी है, ये तमाम जो है पर्सन ये लिक्विडेटर्स कहलाएंगे। लिक्विडेटर जो है किसी भी अगर पर्सन के मतलब कंपनी के या जो है बैंकरप्टी के फॉर्म में ट्रस्टी अगर या मॉर्गेज अगर वो एक मरतबा जो है नोटिफाई हो जाते हैं कि ये इस कंपनी का जो है वो लिक्विडेटर है, तो वो 14 दिन के अंदर कमिश्नर को ये इंटीमेट करेगा कि कमिश्नर को ये नोटिफाई करेगा कि वो इस कंपनी का या इस पर्सन का जो है वो लिक्विडेटर है। तो इसके इसके बाद इसको नोटिफाई करने के बाद जो है कमिश्नर जो है इसको 3 मंथ के अंदर जो है तमाम अमाउंट्स जो कि रिकवरेबल है वो उसको नोटिफाई करेगा एक सफिशेंट टाइम पीरियड में, ताकि वो टैक्स उससे रिकवर हो सके। इसी तरह लिक्विडेटर जो है कोई भी किसी भी पार्ट किसी भी इन जो है क्या कहते हैं कि किसी भी वैल्यू का या किसी भी एसेट्स का पार्ट नहीं बनेगा जब तक कमीशन उसको उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। ये इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, ये आप देख लें, ये इसी के मुतालिक है। नेक्स्ट इसी तरह ये लिक्विडेटर जो है वो खुद भी पर्सनली लायबल होगा एक्सटेंट ऑफ एनी अमाउंट रिकवर टू बी सेट असाइड फॉर दी टैक्स रेफर टू इफ एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर लिक्विडेटर फेल टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है, कि अगर लिक्विडेटर जो है वो फेल हो जाता है टैक्स लायबिलिटी को सबमिट कराने में, तो वो पर्सनली भी फिर वो पर्सनली लायबल होगा कि वो टैक्स जो है वो कंपनी की बजाय इसी लिक्विडेटर से वो ने कलेक्ट किया जाएगा या रिकवर किया जाएगा। रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यू बाय नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन पर्सन, के अगर कोई मेंबर्स है
एसोसिएशन का, लेकिन वो मेंबर जो है नॉन रेजिडेंट है, तो इस सूरत में टैक्स रिकवरी को कैसे कलेक्ट किया जैसे, या टैक्स रिकवरी कैसे की जाती है? तो इसके लिए अगर पर्सन जो है, मेंबर जो है एक नॉन रेजिडेंट है, तो उस पर्सन का जो टैक्स है उसके जो शेयर होल्डर्स है ऑलरेडी, उनसे ये टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा, लेकिन इन इन द नेम ऑफ एसोसिएशन और एनी रेजिडेंट मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, या कोई भी जो है इस एसोसिएशन का रेजिडेंट मेंबर है उसे ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई पर्सन ने कोई पेमेंटें करनी है इस सेक्शन के तहत, तो वो भी उसी नॉन रेजिडेंट के अथॉरिटी पे वो कंसिडर की जाएंगे कि इस पर्सन ने इस नॉन रेजिडेंट पर्सन के बिहाफ पे जो है वो अपनी तमाम टैक्स पेबल अमाउंट से वो है जमा करवा दी है। नॉन रेजिडेंटशिप ऑनर आ चार्टर, ठीक है, चार्टर वो पर्सन होता है कि जो के किसी शिप को रेंट देता है, ठीक है, समवन हु वांट्स टू पे रेंट टू अ शिप, ठीक है ना, चार्टर उसे कहते हैं कि जो के किसी शिप को जो है क्या कहते हैं रेंट पे करता है, ठीक है। इसी तरह एक शिप के जो है किसी भी पोर्ट, पाकिस्तान के पोर्ट से डिपार्चर होने से पहले जो के किसी नॉन रेजिडेंट की है, तो उसने वो मास्टर ऑफ द शिप जो है वो एक कमिश्नर को एक रिटर्न फाइल करेगा और उसमें अपनी तमाम ग्रास अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई करेगा। स्पेसिफाई करने के बाद जो है कमिश्नर जो है उस रिटर्न को उसको असेस करेगा। असेस करने के बाद अगर उसमें कोई कमिश्नर को ये लगता है कि उसमें अमाउंटें कम लिखे शो किए गए या डिटरमाइंड अमाउंट टैक्स ड्यू जो थी वो नहीं हुई, तो इस सूरत में जो है वो मास्टर ऑफ द शिप को कमिश्नर नोटिफाई करेगा राइटिंग में कि इतनी अमाउंट पेबल थी और इतनी अमाउंट पेबल हुई है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जब मास्टर ऑफ द शिप को अगर कोई नोटिफिकेशन रिसीव हो जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट ओनर, तो इस सूरत में जो है वो कमिश्नर जो है उस शिप को डिपार्चर नहीं होने देगा जब तक वो इसके लिए सूटेबल अमाउंट्स अरेंज नहीं कर लेता या कोई पीरियड उसके लिए अनाउंस नहीं कर देता कि इस पीरियड तक जो है वो तमाम अमाउंटें अगर सबमिट हो जाती हैं तो जो है सबमिट हो जाएंगी और इसके बाद इस शिप को जो है वो पाकिस्तान के किसी पोर्ट से डिपार्च करने की इजाजत होगी। नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर आर चार्टर, इसकी भी वही सेम सूरत फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे जो है जिस शिप की फॉर्म में जो है वो 30 डेज थे, लेकिन जो एयरक्राफ्ट की फॉर्म में जो है वो 45 डेज दिए जाते हैं कि उसमें अमाउंट्स को स्पेसिफाई किया जाता है। इसके बाद उस पर्सन को जो नॉन रेजिडेंट पर्सन के बिहाफ पे जो भी पर्सन होता है उसको अमाउंट स्पेसिफाई कर दी जाती हैं कि वो ये अमाउंटें जो है इसमें टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाएं। इसके बाद इसको जो है यहाँ से डिपार्चर करने की इजाज़त होती है। तो इसमें 45 डेज का हमने याद रखना है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एयरक्राफ्ट ओनर आर चार्टर। ये भी वही सेम इसकी डिटेल बताई दी गई है कि इसको कैसे हमने डील करना होता है एयरक्राफ्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट है ये असेसमेंट ऑफ पर्सन अबाउट टू लीव पाकिस्तान। इसी तरह ये अंडर सेक्शन 145 के तहत ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो है उसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए छोड़ना है, ठीक है, फॉर एवर के लिए वो अगर पाकिस्तान को छोड़ रहा है कि टैक्स पेयर के पीरियड में, टैक्स पीरियड किसी भी टैक्स पीरियड में, तो उसको पाकिस्तान छोड़ने से पहले वो कमिश्नर को 15 दिन के अंदर, ठीक है, लेस देन 15 डेज के अंदर जो है वो कमिश्नर को नोटिफाई करेगा अपनी डिपार्चर रिटर्न के थ्रू, ठीक है। उसके साथ वो अपनी रिटर्न भी जमा कराएगा जो कि करंट टैक्स पीरियड के लिए थी या इसके अलावा जो भी वो टैक्स पे रिटर्न जिन टैक्स ईयर्स की रिटर्न जमा करा चुका है वो भी उसके साथ वो भी उसको कमिश्नर को नोटिफाई करेगा। और इसके बाद अगर कमिश्नर उसको देखे उसको असेस करेगा, उसकी असेस करने के बाद अगर कोई अमाउंट उसके उसके अगेंस्ट है तो फिर वो उसके जो भी सेट डेट उसने अनाउंस की हुई है उस पीरियड के ख़त्म होने से पहले वो तमाम टैक्स अमाउंट जो है उसने जमा कराने के बाद जो है उसने डिपार्चर फिर पाकिस्तान करने की उस टैक्स पेयर को इजाज़त होगी।
इसी तरह अगर कमिश्नर को ये किसी भी सोर्सेज के जरिए ये पता चल जाता है कि कोई भी शख्स जो है एनी पर्सन ठीक है जो है वो डिपार्चर कर रहा है पाकिस्तान से और वो उसकी इस इंटेंशन के साथ कि वो वापस नहीं आएगा, तो इस सूरत में भी जो है उससे टैक्सेबल इनकम जो है रिकवर की जाएगी। या इसी तरह कोई नोटिफाई हो जाता है कि कोई पर्सन जो है उसकी ऑफशोर ज्यूरिसडिक्शन जो है उसकी इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कमीशन को ये पता चल जाता है या ये यकीन हो जाता है कि ये टैक्स इवेजन है और पाकिस्तान को छोड़ आए, तो इस सूरत में कमिश्नर क्या करेगा, उसकी जो भी डोमेस्टिक एसेट्स हैं किसी भी पर्सन के वो उनको फ्रीज कर देगा और उसके जो ओनर हैं ठीक है जिन्होंने एसेट बेनिफिशियली ओन्ड पर्सन है उनको भी एक पीरियड जो कि उन्होंने गुजारा है 120 डेज अगर उन्होंने इस पाकिस्तान में गुजारे हैं तो उनसे भी ये फायर टैक्स कलेक्ट करने का जवाब होगा कमिश्नर के पास। 146 सेक्शन रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन असेस्ड इन अदर जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। इसी तरह ये सेक्शन 146 के तहत अगर कोई पर्सन है उसने टैक्स जमा जो कि रेजिडेंट है कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का, लेकिन वो पर्सन जो है टैक्स पेयर जो है वो टैक्स नहीं जमा कराता और वो जो है पाकिस्तान में किसी जगह पे आके रेजिडेंट माने रहना शुरू कर देता है ठीक है, यहाँ पर समझो कि वो वहाँ से आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित को छोड़ के पाकिस्तान में रहना शुरू करता है, लेकिन टैक्स उसने पे करना था जो कि उसने पे नहीं किया, तो इस सूरत में डिप्टी कमिश्नर जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान जो है वो एक नोटिस इशू करेगा या सर्टिफिकेट इशू करेगा कमिश्नर को जो कि पाकिस्तान में है, उसमें वो इस नोटिस में या सर्टिफिकेट में जो टैक्स पेयर है उसकी रेजिडेंस का एड्रेस भी बताया होगा और उसकी जो भी प्रॉपर्टी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में है उसके बारे में भी उसको नोटिफाई करेगा। और इसके बाद जो है जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से ये लेटर रिसीव हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी, तो फिर कमिश्नर जो है उस टैक्स पेयर से जो है पाकिस्तान में किसी भी जगह पर अगर वो रहता है या उसकी जो प्रॉपर्टी है उससे जो है वो टैक्स रिकवर करेगा। ये अंडर सेक्शन 146 के तहत है जी। सेक्शन 146A इंटेंशन वैलिडिटी ऑफ रिकवरी ऑफ प्रोसीडिंग्स के रिकवरी की प्रोसीडिंग जो है वो किसी भी शख्स से किसी भी टाइम शुरू की जा सकती है। इसके लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है कि कोई नोटिस पहले इशू हो चुका है तो कमिश्नर हो सकते हैं कोई एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करके फिर दोबारा से जो है किसी भी टैक्स रिकवरी की प्रोसीडिंग्स दोबारा शुरू कर सकता है पाकिस्तान में किसी भी जगह पे और किसी भी कानून इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत जो भी लॉज हैं रूल्स हैं उनके मुताबिक उसे टैक्स रिकवरी इनिशिएट कर सकता है, लेकिन इसके लिए कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है ठीक है। इसी तरह अगर किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट जो है रिकवरी इनिशिएट हो गई है तो उसको टैक्स पेयर को ये जो है अथॉरिटी या ये इजाज़त नहीं होगी कि वो किसी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू के सामने कोई क्वेश्चन रेज कर सकते उस कर सके उस सर्टिफिकेट के मुताबिक जो कि उसको उसको इशू किया गया है सेक्शन 138 के तहत, या कोई दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया गया है अमेंडमेंट असेसमेंट या कोई कोई जो है या किसी और रूल्स के तहत ठीक है, तो ये इसके इनिशिएटिव की कंडीशंस बताई गई हैं 146A के तहत। 146 सेक्शन बी टैक्स पेयर सेटलमेंट इंसेंटिव स्कीम्स ठीक है, ये एक टैक्स पेयर को एक स्कीम दी गई है बोर्ड की तरफ से ठीक है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत कि वो अपनी जो भी अमाउंट है या डिफॉल्ट सरचार्ज हैं वो उनको किस तरह सेटल कर सकते हैं, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बेशक याद कर लें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू लिहाज से इसमें कोई इतनी खास बात नहीं मेंशन हुई भी। अब हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट एमसीक्यू है कि पार्ट 4 ऑफ चैप्टर एक्स ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 रिलेट्स टू। ऑप्शन ए है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, बी रिटर्न्स एंड असेसमेंट्स, सी असेसमेंट एंड अपील्स,
फॉर एडवांस टैक्स एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ए। चैप्टर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर नंबर 10 और उसका पार्ट नंबर 4 जो है वो डील करता है ये कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स रिलेटेड। इन द केस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स इट मे बी रिकवर्ड, ठीक है कि टैक्स रिकवरी के फॉर्म में ये किसी से भी रिकवर किया जा सकता है। नंबर 1 है कि ओनली फ्रॉम द टैक्स पेयर प्रॉपर्टी, ओनली थ्रू अरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और थ्रू अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर फॉर नन ऑफ अबव। तो इसमें से राइट आंसर नंबर बस 3 के उस ये टैक्स रिकवरी हो सकती है टैक्स पेयर की प्रॉपर्टी से या उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, दोनों मेथड के जरिए टैक्स रिकवरी की जा सकती है। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स, नंबर 1 है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, बी अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, सी अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर, फोर्थ एनी ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास 4। ठीक है, 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर बनता है। इसमें से कोई भी मोड अप्लाई हो सकता है टैक्स रिकवरी के लिए। इन द केस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स द CIR कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू हैज सेम पावर एज द मजिस्ट्रेट हैज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द मजिस्ट्रेट हैज अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, द सिविल जज हैज अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। फॉर हमारे पास द सिविल जज हैज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1908। तो राइट आंसर हमारे पास 3। इन द केस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स नोटिस ऑफ रिकवरी, नंबर 1 शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड, शुड कंसिस्ट ऑफ रिकवर अमाउंट, द पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स शुड बी स्पेसिफाइड, फॉर ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास 4 के रिकवरी ऑफ टैक्स के नोटिस में ये तमाम चीजें जो है मेंशन होनी चाहिए कि नोटिस जो बाकायदा प्रेस्क्राइब्ड होना चाहिए और उसमें रिकवरी अमाउंट भी मेंशन होनी चाहिए और उसके लिए पीरियड भी स्पेसिफाई होना चाहिए। इन द केस ऑफ रिकवरी ऑफ टैक्स द डिटेंशन पीरियड ऑफ पेमेंट शैल नॉट एक्सीड 2 ईयर्स, शैल नॉट एक्सीड 1 ईयर, शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स, 4 है शैल नॉट एक्सीड 3 मंथ। तो राइट आंसर हमारे पास 3, शैल नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी मे बी फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेयर the taxpayer resides, the taxpayer carries on his business, the taxpayer property is situated, any of above. So right answer हमारे पास 4। Next, in the case of recovery of tax, the district officer revenue has same powers as the magistrate has under the code of criminal procedure, the magistrate has under the code of civil procedure 1908, next the civil judge has under the code of civil procedure 1908, fourth the civil judge has under the code of criminal procedure 1908। तो राइट आंसर है हमारे पास 3। इन द केस ऑफ बैंक्रप्टसी द टैक्स लायबिलिटी शैल बी ट्रांसफर टू एसोसिएट्स, बी द स्टेट इन बैंक्रप्टसी, सी रिलेटिव्स और फॉर लीगल हेयर्स। तो राइट आंसर है हमारे पास 2। इन द ऑपरेशन ऑफ बैंक्रप्टसी द टैक्स लायबिलिटी शैल बी कंसिडर्ड एज, नंबर 1 करंट एक्सपेंडिचर, द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स एक्सपेंडिचर, ये टोटल एक्सपेंडिचर। तो राइट आंसर हमारे पास 1 के करंट एक्सपेंडिचर्स। अनरिकवर्ड अमाउंट इन द केस ऑफ कंपनी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एन एम्प्लॉयड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर हैविंग एट लीस्ट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल, ओनली 1 एंड 3। तो राइट आंसर हमारे पास 4, 1 एंड 3। इन द केस ऑफ एओपी अनरिकवर्ड अमाउंट ऑफ टैक्स फ्रॉम मेंबर शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम एओपी, सीनियर मेंबर, जूनियर मेंबर, फ्राम अदर मेंबर्स कलेक्टिवली। तो राइट आंसर हमारे पास ए। ठीक है, एओपी की सूरत में टैक्स जो है वो डायरेक्ट एओपी से रिकवर किया जाएगा। रिक्वायर्ड डेटा शैल नोटिफाई द कमिश्नर फॉर हिज अपॉइंटमेंट विद इन 14 डे ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, विद इन 21 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, 30 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट, 4 है विद इन 60 डे ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो राइट आंसर हमारे पास ए, 1, 14 डे ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन एओपी, दी अनरिकवर्ड अमाउंट मे बी रिकवर्ड फ्रॉम ओनली फ्रॉम रेजिडेंट मेंबर ऑफ एन एओपी, ओनली फ्रॉम एओपी, फर्स्ट एओपी इफ नॉट रिकवर्ड देन रेजिडेंट मेंबर्स, फर्स्ट रेजिडेंट मेंबर्स इफ नॉट रिकवर्ड देन एओपी। तो राइट आंसर है हमारे पास 3 के फर्स्ट एओपी से होगा, अगर एओपी से टैक्स रिकवर नहीं होता फिर इसका जो भी रेजिडेंट मेंबर होगा उससे टैक्स रिकवर किया जाएगा। Where a member, where a person intended to leave Pakistan permanently, he shall notify the commissioner. Option A, within 7 days of his probable date of departure, within 14 days of his probable date of departure, within 21 days of his probable date of departure, within 30 days of his probable date of departure. So right answer, हमारे पास 2 के 14,
देश के अंदर, ठीक है, लेस देन 15 का मतलब है कि 15 डेज से जितने भी कम दिन हैं, तो यहाँ पे 14 है, तो 14 का राइट आंसर है। प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकवरी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 में बी स्टार्टेड, ऑप्शन ए है एट एनी टाइम, बी आफ्टर अप्रूवल ऑफ टाइम फ्रॉम द एफबीआर, आफ्टर अप्रूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, आफ्टर अप्रूवल ऑफ सिविल जज अंडर सीपीसी 1908। तो इसका राइट आंसर है ए वन, के प्रोसीडिंग्स रिकवरी की जो किसी टाइम भी शुरू की जा सकती है। टैक्स पेबल बाय ए टैक्स पेयर इज ड्यू ऑन द डेट ऑफ ड्यू डेट फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, द डेट इंटीमेटेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, बोथ ए एंड बी। फोर नाइन ऑफ अबाउट द राइट आंसर हमारे पास थ्री, बोथ वन एंड टू। डिमांड नोटिस इज सेंट अंडर सेक्शन 137 to 138, 139, 140। तो राइट आंसर हमारे पास 137 के तहत डिमांड नोटिस इशू किया जाता है, सेंड किया जाता है। डिमांड नोटिस इज सेंट वेयर एन ऑर्डर क्रिएटिंग टैक्स डिमांड इज पास बाय एन इनकम टैक्स ऑफिसर, गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू टू मीट द बजट, द टैक्स ईयर इज अबाउट टू एंड, नन ऑफ अबाउट। तो राइट आंसर है हमारे पास ए, के डिमांड नोटिस जो है इशू किया जाता है जहां पे कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर अगर कोई ऑर्डर पास करता है। बिफोर डिमांड नोटिस फॉलोइंग नोटिस ऑर्डर इज सेंट पब्लिक पास्ट, शो कॉज नोटिस टू असेसमेंट ऑर्डर, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास थ्री, वन एंड टू। डिमांड नोटिस इज इशूड इन द वेक ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, बी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर, प्रोविजन असेसमेंट, दी ऑल ऑफ अबव। तो इन तमाम सूरतों में डिमांड नोटिस इशू किया जाता है। हाउ मेनी डेज आर गिवन टू द टैक्स पेयर आफ्टर द इशुएंस ऑफ डिमांड नोटिस अंडर सेक्शन 137 सब सेक्शन 2, 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, नन ऑफ अबव। तो राइट आंसर हमारे पास बी, ठीक है, सेकेंड 30 डेज। इफ एन ऑर्डर इज पास अंडर सेक्शन 122 डी एग्रीड असेसमेंट, द टैक्सेबल शैल हैव द राइट टू प्रिफेयर अपील विद इन 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, नन ऑफ अबव। तो डी इसका राइट आंसर है 4, नन ऑफ अबव। हु कैन ग्रांट द टैक्स पेयर एन एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर पेमेंट ऑफ ड्यू टैक्स फॉर आर पे टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स, इंस्पेक्टर रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर। तो राइट आंसर हमारे पास कमिश्नर। डिफॉल्ट सरचार्ज इज पेएबल वेन अ पर्सन फेल्स टू पे टैक्स ऑन आर बिफोर ड्यू डेट, वेन द टैक्स पेयर डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ टाइम, वेन अ पर्सन फेल टू पे पेनल्टी, ऑल ऑफ अबव। तो ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। इफ अ टैक्स पेयर डज नॉट डिपॉजिट द टैक्स ड्यू आफ्टर द इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 138, द कमिश्नर मे अटैचमेंट एंड सेल एनी इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर अपॉन ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर, अरेस्ट द टैक्स पेयर एंड डिटेन हिम फॉर अ पीरियड नॉट एक्सटेंड 6 मंथ, फॉर ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। इफ अ टैक्स पेयर हैज फाइल्ड अपील अंडर सेक्शन 127 अगेंस्ट एन ऑर्डर एंड हैज ऑल्सो सबमिटेड 25% ऑफ द टैक्स ड्यू, द कमिश्नर शैल नॉट इशू नोटिस अंडर सेक्शन 140, शैल इशू नोटिस अंडर सेक्शन 140, शैल रिकवर द अमाउंट थ्रू कोर्सिव मीन्स, फॉर नन ऑफ अबव। राइट आंसर है नन ऑफ अबव। दिस इज एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर एनी क्यूरी यू कैन कॉमेंट्स, ठीक है। फॉर फर्दर वीडियो यू कैन विजिट माई चैनल अग्निमय लर्निंग एंड फेसबुक पेज अग्निमय लर्निंग ऑनलाइन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।